ये भी जो है ना 200 बकरियों का खाना तैयार कर रहे हैं और साइटिंग से तफसीलन आपको बताएंगे बकरियों के खुराक के मुतालिक। और अभी 200 बकरियां हमने लेके आनी है और सारी इधर ही खड़ी करनी है। इनके लिए देखते हैं क्या तैयार किया हमने और वो आपको बताएंगे, आपसे शेयर करेंगे और इसमें आपको काफ़ी सारी मालूमात देंगे। और ये भी जो ना टॉकर तैयार हो रहा है, इसमें ये डाल रहे हैं ये माल। और दूसरा ये है ना, ये भूसा है, हम सराकी में इसको भों कहते हैं और भूसा और तूड़ी लोग कहते हैं ना इसको। और बकरियां भी आ जाती हैं, वो दिखाते हैं पिछो देती है मत। ये अभी देखे ना, ये अभी डाल रहे हैं इधर ही, ये गड्डू पूरा फेंक रहे, देख आ रहा है मत, ये देख सकते हैं आप। ये इनके लिए तैयारी की है, इसमें आपको तफसीलन मैंने बताना है और बताने का मकसद ये है मेरा, और इसमें क्या क्या हमने इसको मिक्स किया है और वो आपको बताएंगे। अभी बकरियाँ ले आते हैं और बकरियों को इधर इकट्ठा करते हैं और देखते हैं कितने शौक से ये खाती है। तो अभी तैयारी कर ली है और बकरियां अभी बुलवा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं अभी तैयारी हो चुकी है और बकरियां भी बुला रहे हैं इधर ही। ये देख सकते हैं आप, टोटल 250 बकरियां हैं और ये आ रही हैं और सबको यही खाना हमने खिलाना है। ये आप देख सकते हैं पूरा अजड़ का अजड़ आ रहा है बकरियों का, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें राजनपुरी भी है, मक्की चीनी, सारी नस्लें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जानवर होते हैं। और ये सेट पूरा आ रहा है अहमदी बिन आल का, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी बकरियां। और ये रहे हमारी रहे बकरियां, ये सारी ऑटोमेटिक खुलियों में जा रही है और अपनी अपनी पसंद के जो है ना खुराक है इनकी माशाल्लाह से फेवरेट, और ये खा रही है माशाल्लाह से बड़े शौक से। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी पूरी मैंने मालूमात आपको देनी है खुराक के मुतालिक, आपको गाइड करेंगे क्योंकि आपको भी पता हो बकरियों को क्या खिलाना चाहिए, कैसे बकरी और वजन करते हैं बकरे ईद के लिए तैयार करते हैं ना लोग। और तो इसलिए बाकी जितनी बकरियां नजर आ रही हैं सारी मैं आपको दिखाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा होती हैं और ये खुराक इनको खिला रहे हैं हम, आप ये चेक कर सकते हैं। और ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तैयारी हो चुकी है और ये बड़े शौक से मज़े से ये खा रही हैं बकरियां यार ये सारे। और अल्हम्दुलिल्लाह इनको खुराक डाल दी हमने और ये चीज़ें आप देखें, यो भी रहती हैं, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से। और दूसरी साइड से आपको दिखाता हूँ, अभी जगह भी नहीं बची जो है ना बकरियों को खाने के लिए। अगो हाट में ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी हर टाइम जानवर मौजूद होता है, आप जिस टाइम भी आना चाहते हो इंशाल्लाह से ज़रूर है। साबिर गोट फॉर्म पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जानवर और कम कीमत में मिलते हैं, हर बंदे को पता है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरे पाकिस्तान से मेहमान आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बकरे और बकरियां वगैरह लेने के लिए, और हर टाइम इंशाल्लाह से आप आएँ, जिस टाइम भी आना चाहते हो ना आप आएँ, आसानी से बकरे बकरियाँ वगैरह पट्ठे वगैरह इंशाल्लाह से आपको मिल जाएंगे साबिर गोट फॉर्म पर। अभी जो दूसरी बकरी है उनकी खुराक थोड़ी सी अलग कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा बच गए हैं ना फीस। अब हट वन यार इधर थी, इधर थी, ये बकरी आप देख सकते हैं सारी लाइन के ऊपर खड़ी की हुई है हमने, और ये चीज़ें आप देखें, ये देखें ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। और जितना आपको बकरी चाहिए बकरा चाहिए आप आएँ, और साबिर गोट फॉर्म डेरा गाजी खान में पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जानवर होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे भी मोहम्मद साबिर गोट फॉर्म सर्च करोगे और फेसबुक पे दोनों पे है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको जितना जानवर चाहिए एनिमल की वीडियो एक से बढ़कर एक होंगी यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी, और इंशाल्लाह से मज़ीद भी अच्छी अच्छी आपको मालूमात देंगे। अभी आपको खुराक कैसे हमने तैयार की है वो चीज़ आपको हमने दिखानी है, और ये जो आपके लिए स्पेशल वीडियो आप सभीयों के लिए ये मैंने बनाई है, और ये खुराक आपके सामने ये खिला रहे हैं बकरियों को अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें ये बच्चे भी लगे हुए हैं बकरियों को जो है ना खिलाने के लिए, ये देखें माशाल्लाह से। और ये भी खुराक खिला रहे हैं, और बाकी अगली वीडियो मैंने एक और भी बनानी है अल्हम्दुलिल्लाह, जानवर जितने चाहिए इंशाल्लाह से मिल जाएंगे। ये आपको
जो अभी इनकी जो खुराक बनाई है ना, तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद आप देखें और गौर से मेरी बातें सुनना, कैसे हमने ये खुराक इनकी तैयार की है, ये कैसे और बड़े शौक से ये बकरियां खाती है। और इसमें आपको पूरी मालूमात देंगे। ये जो एक मिनट दिखा दूँ, ये हमने स्पेशल इन बकरियों के लिए तैयार की है ये वाली खुराक। इसमें जो जो चीज़ें हमने मिक्स की है वो भी आपको बतानी है, और बाकी आप वीडियो देखें और इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से सारी बकरियां बड़े शौक से खा रही हैं। अहमद इधर ही में दिखा रहा है, ये देखिए माशाल्लाह खुद ही खा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े शौक से खा रही हैं ये सारी खुराक जो है ना, जितनी बकरियां 250 बकरियां टोटल। जो एक्स्ट्रा बकरियां बच गई हैं ना, उसको उधर डाल दिया हमने टब में, आपको दिखाया ना, वो उधर खा रही है। और बाकी ये सारी माशाल्लाह से लाइन के ऊपर लगी हुई है। असल में ये खुशक चारे के ऊपर बकरियां ज़्यादा पलती हैं, अगर सबा चारा खिलाया जाए ना सबा चारे के ऊपर, ये खाली पेट भरती हैं। जो खुशक चारा होता है ना, इनकी जान को असर करता है, मोटा करता है और जल्द अच्छी करता है। जो सबा चारा होता है जैसे सब्जी होती है, वो सिर्फ पेट भरने के लिए होती है, और इनको जो इनके लिए वैसे ही है। और जैसे लोग गोश्त खाते मोटे होते हैं, और बकरियाँ जैसे हैं बकरी का गोश्त खाए आप मोटे होंगे। और लोग क्या करते हैं, अगो हटा हुआ एक में, और सफा चारा जो है ना इनको खिलाओगे इसका पेट खाली भरेगा, मोटी कभी भी नहीं होगी। चराई के ऊपर बकरी ले जाओगे मोटी नहीं होगी बकरी, तो वैसे ही कमज़ोर रहेगी। अगर इसको खुशक चारे के ऊपर जो है ना रखोगे ना अल्हम्दुलिल्लाह। और थोड़ी सी मालूमात मैं अभी भी दे देता हूँ, बाकी जो इनकी खुराक तैयार कर रहे हैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसको जो अगर वंडा लगाया जाए एक पाव जितना, वो भी बहुत है। और उसके बाद जो है ना बाकी खाल और तूड़ी चौकर ये चीज़ें आप लाजमी खिलाएं, और इसमें आपको मालूमात मैंने देनी है बकरियों की। और ये देख सकते हैं आप कितने शौक से ये बकरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह खा रही हैं। एक मिनट में आपको दिखा दूँ, ये देखें अभी जो इनकी खुराक तैयार करनी है ना वो मैंने आपको दिखानी है। अभी बकरियों की खुराक तैयार कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। और बकरियां भी आनी है, वो फिर खिलाते हैं उनके सामने, आप देख सकते हैं। इसमें हमने चोकर डाला है, और चोकर डालने के बाद थोड़ी सी गंदम डालनी है, और थोड़ा सा आटा वगैरह भी हो तो वो डाल देना है आपने, या दलिया मिल जाए गंदम का वो आप डाल दें। और ये भी आपको तैयार कर लिए। और पहले इस भूसे को इसमें डाला है टप में, पानी था ना पानी, और भिगो के, और उसके बाद ये बाहर निकाला है पानी नचो के, क्योंकि पानी इसमें गीला करके ना हम डाल देते हैं, फिर इसको नचो लेते हैं, और उसके बाद ये तब जाके तैयार होता है। और पानी नचो के और फिर खुरली में डाल देते हैं, उसके डालने के बाद जो है ना ये देखिए आपने मिक्स कर दी, गंदम मिक्स की है और दलिया है इसमें, और थोड़ा सा कुछ चोकर वगैरह हमने डाल दिया है। ये तैयार हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ये अभी तैयार कर रहे हैं, ऊपर चौकर है आप देखें ना, नीचे सारा भूसा है खाली, और गंदम भी मिक्स की है और कुछ और भी करनी है, दलिया तो वैसे मिक्स कर दिया ना, चौकर से ज़्यादा अगर दलिया मिल जाए ना वो भी डाल दो, वो ज़्यादा बेस्ट है। ये सिर्फ एक टाइम की सुबह की इनकी खुराक है। और खल को आपने थोड़ा सा उसको भी पानी में भिगो के, इस खल में भिगो के जो है ना, और एक मिसाल दो इधर, एक मिसाल है आपके ज़्यादा जानवर हैं तो ये सारे दिखाऊंगा।
इधर खाल आ रही है और इधर तक पानी आना चाहिए, थोड़ा सा खाल से ऊपर आना चाहिए पानी। जितनी भी अगर बाल्टी में फुसाओ या किसी चीज़ में आप फुसाओ ना, पानी में गीला करो, उसमें डालो, 2 घंटे के बाद फिर पानी से ऊपर आ जाएगी खाल, और फिर बकरियों को उसमें गंदों मिक्स करके और वो डाल दें। अगर वो नहीं है, आप रोटी सूखी रोटी नहीं होती वो भी मिक्स करके आप डालें। एक मिसाल मैंने आपको बताई है, दोबारा अगर समझ नहीं आई तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इसमें नीचे सारी रोटी और खाल है, एक मिसाल दे रहा हूँ, सूखी रोटी है और पानी ना डालो पहले, इधर तक आ गई है खाल और रोटी, ठीक है, और पानी कम से कम इतना आना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, खाल पानी में बिल्कुल नीचे चली जाए, ठीक है, और पानी जो है ना खाल से ऊपर आ जाए, और ज़्यादा ऊपर भी ना, और उसमें ज़्यादा ऊपर आ जाएगा ना, ज़्यादा हो जाएगी मसला उसका और कूली हो जाएगी। अगर आपने उधर ही रखनी है तो फिर ऐसे ही होगा, और क्योंकि ये आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, इसमें पानी डाल के और फिर ये भूसा है इसको भिगो के इसके जो मैला छैला होता है ना वो फिर निकालते हैं और मैल छल निकल जाती है, फिर जो है ना हम डाल देते हैं। अभी ये ऊपर गंदम डाल रहे हैं और थोड़ी सी जो है ना मिक्स करेंगे, वो आपको दिखाएंगे। जी गुरु, हेलो, वालेकुम सलाम। ये देखे ना, ये आसान तरीका मैंने आपको बताया, और एक पाव गंदम एक बकरे को खिलाएं आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना स्टार्टिंग में, और 15 दिन बाद 20 दिन बाद आहिस्ता आहिस्ता आप खाल और गंदम बढ़ाते हैं, जितना बढ़ाते आओगे आपको जो बकरा होगा या बकरी होगी ग्रोथ करती आएगी। जो बकरी है ना उसको मोटा ना करो आप, ज़्यादा गंदम संदम गर्म चीज़ें उसको ना खिलाएं, और जो आपका बकरा है आप उसको खिला सकते हैं। ये देखें अभी मिक्स कर रहे हैं, और गंदम जो भी डाली थी और थोड़ा सा आटा वगैरह हो, अगर दलिया मिल जाए वो भी बेस्ट है। दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको, अभी बकरी आएंगी फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें ना, ये हो गया पानी, और इसमें हमने डाला पानी का फुल करके ना भूसा डाल दिया, भो कहते हैं हम सरेकी में इसको ना, इसको पानी में बिल्कुल भिगो के और नीचे जो है ना फिर ऐसे निकालते हैं, जो इसके अंदर मिट्टी होती है ना सारी धूल जो भी होती है सारी नीचे चली जाती है मैली, और साफ साफ जो है ना ऊपर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम खुरली में डाल देते हैं, और पानी ऐसे होता है ना पानी नचो के नीचे और फिर डालते हैं, ये खाली धोते हैं उसको, हम धो के फिर हम डालते हैं, और फिर ये करेगा, उसके बाद जो है ना दलिया ज़्यादा मिल जाए चौकर से, ज़्यादा बेस्ट दलिया है, दलिया ज़्यादा डालें आप, उसके बाद गंदम डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये देखें, अगर चने का छिलका मिल जाए ना और वो भी आप इसमें डाल सकते हो, और चौकर काम डालें फिर चने का छिलका ज़्यादा मिल जाए वो भी आप डालें। ये 3 खुरलियाँ हमने तैयार की है, और ये तकरीबन 60 जानवरों के लिए, अभी 60 जानवर है उसको ले आते हैं और इधर ही खड़ा करते हैं, आपको दिखाते हैं फिर इनका रिज़ल्ट और कैसे ये खाते हैं और क्या हो रहा है, ठीक है।